हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज हम 16 अप्रैल के DND के अंदर देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर के अंदर हमें प्री और मेंस के लिए टॉपिक हैं। ठीक है, तो चलो पहले एक कल किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट करके बोला था कि सर आप हाईलाइट करो उस PDF के अंदर, तो हमने एक्चुअली हाईलाइट कर दिया है। हाँ, कलर वगैरह वो नहीं आते जो इसके अंदर आते हैं, लेकिन बोल्ड कर दिया है वो सारे। ठीक है, तो जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे हमने बोल्ड कर दिए हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं हमारे पास है क्या आज। ठीक है, ओके। तो एनवायरनमेंट के अंदर देखो मंकी रेक्टाइल, तो इसके अंदर देखेंगे प्री के लिए कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत सारे किस टाइप के बनते हैं वो देखेंगे। NTF कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन के बारे में बोला गया है, देन मानस ऐप के बारे में पढ़ेंगे, इसरो एस्पोइनेज केस के बारे में, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में देखेंगे वो होता क्या है। देन इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो हॉस्पिटल के अंदर हम ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रुपी फॉल के बारे में बात करेंगे, UNPFA के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, OCI कार्ड के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस की हैं गवर्नमेंट ने। देन सेंसेस ऑफ असामीज मुस्लिम, तो यहाँ पे ऑनलाइन सेंसेस एक और चल पड़ा, NRC था ही पहले जो हम एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले पहले देखो इसरो का केस, तो यहाँ पे CBI वाला केस है, तो बेसिकली एस्पॉइनेज का केस है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऑल दो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस बंद कर दिया था कि उन्होंने जो इसरो की इन्फॉर्मेशन थी, जैसे क्रायोजेनिक इंजन हो गया ना अपना विकास इंजन, ये पाकिस्तान के साथ शेयर किया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सेंटर टू पुश जजेस अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट जज केस से लेके बाकी सारे हमने डिस्कस किए हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस आर्टिकल में है नहीं, जो हमने डिस्कस किया था वही है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल टास्क फोर्स बनाई है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो एयर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई मिल भी जाता है हमें, है ना, प्री के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा अपडेशन करेंगे। देन पैनल टू ओवरसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये है, ये आपका प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन्स के अंदर कोड करना है। कहाँ पर कोड करना है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम प्री के साथ साथ मेन्स के अंदर जो एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोबारा तो रिपीट होंगी नहीं, है ना, तो ये सारी कहाँ कहाँ पे हमने आंसर के अंदर यूज़ करनी है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलो जल्दी से करते हैं। स्क्रीन नॉट क्लियर सर, स्क्रीन क्लियर है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो, ईशा यहाँ पे क्लियर आ रही है स्क्रीन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर स्पेशलाइज एक्सीलेंस सोसाइटी के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन स्कूल का बेनिफिट क्या होगा कि जो भी इनेट टैलेंट है बच्चे के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी हम जब एजुकेशन लेते हैं तो बेसिकली हमें बहुत सारे साइंटिस्ट हो गए, है ना, जो हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ाई जाती है, लेकिन करंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती नहीं है स्कूल के अंदर, और बच्चे का जो एक्चुअल टैलेंट है वो किताबों के नीचे दब जाता है। ठीक है, उसी को सेट करने के लिए, उसी को वहाँ पर लाने के लिए, ठीक है, नर्चर करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट वहाँ पर स्कूल बनाएगी वर्ल्ड क्लास। तो ये आपका जो पेपर टू है, पेपर टू GS मेंस का, वहाँ पे आपका एजुकेशन के अंदर वहाँ पे सेट होगा। पेपर फोर की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे आपका ये बोला जाता है कि जैसे मान लो डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, जैसे इस बार ऐसे भी आया था ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, तो बीइंग ह्यूमन जो है वो वैल्यू है ना, जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो आपका बीइंग ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग एक जो हम बोलते हैं कि साइंटिफिक कंसेप्ट है, स्पीसीज को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि इस कंटेक्स्ट के अंदर जब आप बोलते हो कि एजुकेशन लिटरेसी, कि हमने आपने पढ़ लिया वो लिटरेट है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना और वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं और हिडन टैलेंट, ये सारा आपका इसके अंदर काउंट होगा। ठीक है जी, दूसरा अगर मैं बात करूँ पेपर फोर के अंदर, हम ये भी डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंट वर्सेस इंटेलेक्ट। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब अगर मान लो आपने एजुकेशन ली तो आप इंटेलिजेंट हो, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा सा देखा था। इंटेलेक्ट आपके एक हिडन अर्ज है, ये क्या है कि मान लो किसी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली, वो उसने अच्छी पढ़ाई कर ली, वो इंटेलिजेंट आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन क्या वो सोसाइटी के लिए उसको यूज़ कर सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है रिसर्च करके कि बहुत ज़रा चेंज आ जाए, उसको इंटेलेक्ट बोलते हैं। अगर हम अभी एजुकेशन हमारी देखें तो वहाँ पे इंटेलिजेंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं हम उसको,
लेकिन अगर मान लो उसका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकाले तो उसी को अप्लाई कर सकता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे इंटेलेक्ट के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। तो ये जितने भी पेपर फोर के कंटेक्स के अंदर बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बिल्कुल हैप्पीनेस करिकुलम मध्य प्रदेश ने भी आई थिंक जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट खोला है, इंटेलिजेंस वर्सेज इंटेलेक्ट, ओसामा वर्सेज कलाम सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके उसके पीडीएफ के अंदर नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। और मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी ये कहाँ कहाँ पे काम आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद चाइना ट्राई टू चेंज स्टेटस क्यू, तो यहाँ पे ऐसा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्री के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। उइगर, ठीक है, ये कम्युनिटी कहाँ पे रहते हैं, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर। पहले तो हमें इसकी लोकेशन देखनी है जो प्री के लिए, ठीक है जी, यहाँ पे है वेस्टर्न चाइना के अंदर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कजाकिस्तान के आसपास पड़ता है, साथ में लगता है मंगोलिया के साथ में लगता है, हमने ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है यूके का एक रूल है, यूके के अंदर अगर एमपी मान लो 100 MP साइन कर देते हैं कोई भी इशू हो, जैसे आपका अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे भी एमपीज ने साइन किया था, उन्होंने बोला था उसके बाद वहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी इसके ऊपर हाउस के अंदर, लेकिन वो हुई नहीं। लेकिन इस बार जो जो आपका उइगर्स हैं है ना, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है पहली बात, तो यहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिनोसाइड का केसेस के चल रहे हैं कि चाइना बहुत इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रहा है। इसी केस के अंदर यूके के अंदर, ये यूके की बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये यूके की न्यूज़पेपर के अंदर आया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यूके की हो सकता है हाउस के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो। ठीक है, तो हमें प्री के लिए क्या चाहिए, एक तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, सेकेंड वन के इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। एथनिसिटी इन टर्क दे कट चाइनीज एम्बेसी वाटर सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, UNFPA के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आगे ये आएगा, इसके ऊपर अभी डिस्कस करने के बेनिफिट नहीं है। OCI कार्ड होल्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी चेंज हुई है। ठीक है, हाँ, तो किसी ने ये भी बोला था कि सर NRI और OCI के बीच में डिफरेंस समझा दो। ठीक है, तो ये टॉपिक हम मंडे कवर करने वाले हैं, वहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया नोट। ठीक है, तो इसको डिटेल के अंदर मंडे को हम कवर करेंगे, लेकिन हाँ OCI कार्ड के ऊपर अभी डिस्कस कर लेंगे इसी बार। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, जिनजियांग प्रोविंस है, CPAC प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट मेडिकल ऑक्सीजन, यहाँ पे एक प्री के लिए हमारे पास एक टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मंकी डेक्टाइल ये है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो, एक होती है ग्रिपिंग पावर, ग्रिपिंग पावर मतलब अगर मैं बोलूँ, जैसे हम बोलते हैं कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, ऑल दो ये थ्योरीज हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हम इतने एविडेंस नहीं है हमारे पास, बहुत से केसेस रहते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले वाटर के अंदर हम बोलते हैं फिश थी, ठीक है, तो अब फिश वाटर के अंदर दो चीज़ें हुई, एक तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगी जब नंबर इनका बहुत इंक्रीज कर गया, दूसरा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर का लेवल जो था वो भी डिक्रीज हो गया। अब बहुत सारी फिशेज ऐसी थी वो थोड़ा सा लैंड की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है, और लैंड के ऊपर जाने लगी फूड के लिए भी, ठीक है, स्कार्सिटी होगी फूड की, आपको पता है जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज करती है। तो उसके बाद जब ये लैंड के ऊपर जाने लगे तो थोड़ा थोड़ा लंग्स डेवलपमेंट भी हुई इनके पास, लंग्स और गिल्स दोनों काम करने लगे। ठीक है, और यहाँ पे दिन में वो लैंड के ऊपर जाते थे, बाद में वापस आ जाते थे फूड के लिए, तो यहाँ पे आए आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद विद द टाइम एम्फीबियन ने टेरेस्ट्रियल एरिया को डोमिनेट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपके रेप्टाइल्स बन गए। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के बाद में रेप्टाइल थोड़ा थोड़ा ना उनकी लेग्स डेवलप हुई और वो एरबोरियल भी होने लगे, जहाँ पे बहुत सारे जैसे मान लो ट्रीज हैं वहाँ से फ्रूट वगैरह वो खाने लगे। तो जब जंप मारते थे बड़े बड़े, तो धीरे धीरे वहाँ पे फ्लाइट का ओरिजिन हो गया और आपके बर्ड्स बन गए। ठीक है, और अल्टीमेटली बाद में मैमल वगैरह ये सारे बनते रहे, उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, प्रोटोथेरियन मेटाथेरियन। ठीक है, तो हमें बस इतना समझना है। तो अब फ्लाइट लेने लगे, तो एक थ्योरी ये कहती है जब बहुत ज़्यादा फ्लाइट का रीज़न क्या था कि उस टाइम के ऊपर वहाँ पे जो फूड की स्कार्सिटी होगी थी, स्कार्सिटी होगी थी फूड की, इसीलिए वो फ्लाइट लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब जब फ्लाइट लेते थे तो इन्होंने बोला कि एक फ्लाइट लेने के बाद एक जगह ऐसी पे सेटल हो गए जहाँ पे इनको फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं, फूड इनफ था, तो वहाँ पे आपके बन गए फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, तो ये है इसकी जो अभी जन्म कुंडली, ठीक है, फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने आपको रीज़न के साथ बता दिया कि हुआ गया बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। तो अभी मोंटी जो मंकी रेप्टाइल है ये फ्लाइंग रेप्टाइल है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्लाइट थी रेप्टाइल के बाद ओरिजिन हुई, तो यहाँ पे फ्लाइंग रेप्टाइल है ये। ठीक है, अब
जब जैसे मान लो कोई भी रिप्टाइल है वो फ्लाई करता है तो उसको ग्रिप भी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई फ्रूट वगैरह खाने के लिए कुछ ऐसा। तो वहाँ पे थंब जो है वो ओपोजिट साइड, मतलब जैसे ह्यूमन बींग का है तो हमारा थंब तो ओपोजिट साइड है ना, ऑपोजिबल थंब यहाँ पे इनका देखा गया जब अभी फॉसिल की स्टडी हुई। तो ये था इसका सार पूरा जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे लिखा गया है टीरोसॉर्स हैं स्पीसीज है ना। तो यहाँ पे आपको ये अगर नहीं भी याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर हमें इतना डिटेल के अंदर यूपीएससी जाती नहीं है। ऑपोजेबल थंब की बात की गई है, ये ग्रिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो टीरोसॉर्स थे वो आपके थे रिप्टाइल। तो अगर आपको मान लो स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे टीरोसॉर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है ये कौन से हैं, ये रिप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज को के अंदर इवॉल्व होते गए विद द टाइम, ठीक है जी। उसके बाद अभी कहाँ पे डिस्कवर हुआ है ये, चाइना के अंदर फॉसिल जो है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। और अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यहाँ पे इसका मॉन्की डिक्टाइल का नाम है, ये नाम है कुनपेंगोप्टेरस एंटी पॉलीकेटिस। एंटी पॉलीकेटिस बेसिकली ऑपोजिबल थंब को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला नाम याद रखना है आपने, ठीक है। तो आप अब ये नाम याद क्यों रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे ये नाम दे देगी, बोलेगी ये क्या है, क्या ये रेप्टाइल है, कोई बर्ड है या कोई बटरफ्लाई है या क्या है ना। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है इसका। तो ये एक हो गया। दूसरी बात, अब रिसर्च ने क्या फाउंड किया है, अपोजिट थंब। तो अपोजिट थंब यहाँ पे फाउंड किया गया। तो इस डिस्कवरी से ये पता लगता है कि इनके अंदर भी ग्रिप थी, ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है तो यहाँ पे भी ग्रिप थी। अब ये फॉसिल को स्टडी कैसे किया गया, माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो सीटी, तो माइक्रो सीटी की हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी देखेंगे, ठीक है, कि क्या इसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ये हमें बस दो तीन बातें याद करनी है अगर आप यूपीएससी दे रहे हो। अगर आप मान लो स्टेट का एग्जाम देना है तो आपको टीरोसॉर्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, रिप्टाइल्स हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखो साइमल्टेनियसली अबडक्ट, मीडियली रोटेट, मतलब हम थंब को रोटेट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग भी है ना, तो दूर भी ले जा सकते हैं, अबडक्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली थंब का बहुत बड़ा रोल है ग्रिप के अंदर, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे भी ह्यूमन का थोड़ा सा और ज़्यादा इनके कंपैरिजन है थंब, ठीक है जी। तो ये हमने याद रखना है। और टीरोसॉर्स है ट्राइएसिक पीरियड के अंदर, अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तब। माइक्रोसिटी क्या है, यूटिलाइज करेगी एक्सरेज, 3D इमेजिंग, बस ये याद करना है। आपने यूपीएससी का देना है तो एक्सरेज का नाम याद रखना है, एक्सरेज यूज होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो यूपीएससी के कंटेक्स के अंदर है, ठीक है, वो हमने याद रखना है। आगे बात करते हैं, नेशनल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, एनजीटी के बारे में हमने पढ़ा था। तो एनजीटी ने अब ये बोला है कि जैसे मान लो आपके बहुत सारे स्टेट्स हैं, पंजाब यूपी और बाकी स्टेट्स के अंदर पोल्यूशन रहता है, तो कभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे है ना स्टबल बर्निंग है उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, कभी कोई सेंटर बोल रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। तो ऐसे बहुत सारे इंटर स्टेट के अंदर अपने इश्यूज रहते हैं। तो एनजीटी ने ये बोला है कि अब सभी मिलके हम उसको काउंटर करेंगे पोल्यूशन को। तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स बना दी है। यहाँ पे कौन कौन होगा, एक आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है ना, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और सीपीसीबी। तो ये सारे रहेंगे, आपको एग्जैक्ट याद नहीं करने कि कितने कितने कौन कौन रहेगा, लेकिन इतना याद करना है काफ़ी मिनिस्ट्रीज मिलकर ये काम कर रही हैं, बस इतना आपको प्री के लिए याद रखना है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जैसे मान लो सपोज करो आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास चले जाओ तो वो बोलते हैं जो स्टबल बर्निंग है ये आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी देखना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम आ जाएगा। तो अभी जब सभी एक जगह बैठे होंगे इट मीन्स कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ईजी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एनजीटी इंडिया थर्ड कंट्री।